सब्सक्राइब कीजिए द स्मार्ट कुकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम हमने गोभी लिया है, इसको हमने काट लिया है, और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको हमने धो करके अच्छे से छील लिया है, काट लिया है, और 3 टमाटर चाहिए हमें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, 2 हरी मिर्च और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7-8 कलियां लहसुन की चाहिए, और धनिया चाहिए हरा, और मसाले में हमें चाहिए 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच हमें चाहिए गरम मसाला, थोड़ी सी चाहिए हमें हींग 1/4 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच चाहिए हमें नमक, वैसे ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल। तो इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक, और अब हम डालेंगे इसमें गोभी, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें कीटाणु रहते हैं, तो 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे, और तब तक हम अदरक और प्याज और टमाटर लहसुन इन सभी को पीस लेंगे। हमने लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है, सबका पेस्ट बना लिया है, और उसके बाद हमने टमाटर प्यूरी बना ली है, टमाटर को भी पीस लिया है। तो अब हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई गरम कर ली है, अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तीन चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम गोभी डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा। गोभी को हमने धो लिया है अच्छे से 2 बार, और तो सुखा के गोभी को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो 4 से 5 मिनट गोभी को हमने फ्राई कर लिया है, इसको हम निकाल लेंगे। और उसी तेल में हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। आलूओं को भी हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आलू भुनने में भी हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है, और हमारे आलू भुन गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा तेल भी हमारा नहीं बचा है, और उतना ही तेल हमने लिया था कि हमारा गोभी और आलू फ्राई हो जाए और ग्रेवी के लिए तेल बच जाए, तो उतना तेल बच चुका है। तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे, और बचा हुआ तेल भी यूज़ नहीं करना चाहिए,
वो अच्छा नहीं होता है। अगर उसे यूज़ करें तो उसको एक दो बार छान लें छलनी से, इसके बाद उसे यूज़ करें। तो जीरा भी हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालते टाइम गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे प्याज को। तो प्याज भुन गया है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे। तेल में भी डाल सकते हैं हम हींग। और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। प्याज हमारा भुन चुका है, हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। सूखे मसाले डालते टाइम हमें इसका फ्लेम लो कर देना है, क्योंकि सूखे मसाले जल जाते हैं। गरम तेल में डालते हैं तो हम, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। ग्रेवी को हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं सब्जी। तो ग्रेवी हमारी पक चुकी है और इसमें से तेल अलग हो गया है। तो ग्रेवी भुन गई है और इसमें से तेल अलग हो चुका है। ये देखिए, इसने कढ़ाई छोड़, मसाले ने कढ़ाई छोड़ दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे आलू गोभी फ्राइड, और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। इसको हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो चुका है, सब्जी हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और अच्छे से मिला देंगे। सब्जी तैयार है, आलू गोभी की सब्जी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो सब्जी बन चुकी है, अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। तो सब्जी बन चुकी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, और मेरी तो बहुत फेवरेट है आलू गोभी की सब्जी। तो तैयार है आलू गोभी की सब्जी। ये देखिए आलू गोभी की सूखी सब्जी, ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसी बनी है ये हमें बताइए कमेंट करके। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए,
और अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाएंगे हर दिन आपके लिए एक नई वेज रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।